लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। यार देखो, सबकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, सबकी कुछ वीकनेस होती है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ नहीं होता। लेकिन ना आपका दिमाग ऐसे काम करता है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको नहीं देखता अपने बारे में, जो बुरी चीजें उन पे फोकस करता है कि भाई इस बुरी चीज की वजह से हमारे साथ ये ना हो जाए, इस बुरी चीज से हमारे साथ ये ना हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपकी स्ट्रेंथ फोटोग्राफी है, और समझ लो आपकी वीकनेस इस टाइम पे वीडियोग्राफी है, तो आपको लेकिन दिमाग में ये चलेगा कि नहीं भाई वीडियोग्राफी तो मुझे आती नहीं, तो मतलब क्या कहते हैं, मैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ये वो नहीं ब्रो। जितने भी आप नेशनल जियोग्राफिक पे सारे फोटोग्राफर्स देखते हो, इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, उनको वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उन्होंने फोटोग्राफी में तो फोड़ दिया ना। और यार जो वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इस चीज पे फोकस किया कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं, और वो भी खुद के लिए नहीं सबके लिए, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके कैसे कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि आप मल्टीपल लोगों को इंपैक्ट करो। अब बात इसी चीज पे आ गई है कि इंपैक्ट ड्राइव करना है, तो देखो लाइफ में कुछ भी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने गोल सेट करो। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ही बताया था कि आपका लाइफ में एक विजन होना ही चाहिए। विजन होने के बाद यार नेक्स्ट स्टेप ये है कि चलो अंदर से कॉन्फिडेंस तो हमने बिल्ड करने वाली बातें कर ली, आपको ना कोशिश करना है कि आप बाहर से भी कॉन्फिडेंट दिखो। इसके लिए कभी कभी आपको वो चीज फेक करनी पड़ेगी, और यहाँ पे फेक इट टिल यू मेक इट अच्छी चीज है। अमीर दिखने के लिए फेक इट टिल यू मेक इट सही नहीं है, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए फेक इट टिल यू मेक इट सही। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।